नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इन दिनों अपनी चोट से उबर रहे हैं और लगातार इस बीच वो सोशल मीडिया पर भी बने हुए हैं। लगातार वो एक्टिव हैं और तमाम खबरों को वो शेयर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में अब वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आप चौंक गए होंगे कि रविंद्र जडेजा आखिर फिल्मों में क्या करने आ रहे हैं। दरअसल ये एक बातचीत के आधार पर हम कह रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि कुलदीप यादव जो कि भारत के स्पिनर गेंदबाज हैं, इस वक्त एनसीए में हैं, उनसे कहा है कि तैयार रहना, हम अब जल्दी ही एनसीए में फिल्म की शूटिंग करेंगे। लेकिन ये बातचीत जो हुई है ये इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पर हुई है, और जहां पर रविंद्र जडेजा ने कुलदीप यादव को ये बात तब कही जब कुलदीप यादव ने रविंद्र जडेजा के मजे लिए। बताते हैं कि इस वक्त साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई है पुष्पा, जिसने धमाल मचा रखा है। इसका खुमार रविंद्र जडेजा के भी सर चढ़कर बोल रहा है, और वो भी इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। रविंद्र जडेजा ने इस फिल्म की खूब तारीफ की और एक वीडियो भी शेयर किया है। रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पर, जिसमें वह साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा का एक फेमस डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने जडेजा के इसी पोस्ट पर उनकी जमकर टांग खिंचाई कर दी। कुलदीप ने जडेजा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, अगली फिल्म का इंतजार और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब भारतीय ऑलराउंडर ने जैसे ही कुलदीप का ये कमेंट देखा तो उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, हाँ तैयार रहना, एनसीए में अगली शूटिंग करेंगे हम। आपको बता दें कि इन दिनों कुलदीप यादव एनसीए में ही हैं, और वहां पर वो भी अपनी चोट से रिकवर कर रहे हैं और रिहैब से गुजर रहे हैं। लगातार ये दोनों खिलाड़ी चोटिल हैं, इसी वजह से टीम इंडिया से बाहर हैं, और एनसीए में अपना ये लक्ष्मण के साथ रहकर पूरी तरीके से ये उस चोट से उबरने का प्रयास कर रहे हैं और रिहैब से गुजर रहे हैं। फिलहाल जडेजा और कुलदीप यादव के बीच जो ये बातचीत इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में हुई है, उस पर भी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश आप लोग आ जाइए फिल्मों में और वहां पर भी जलवा बिखेर दीजिए। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा ने इन दिनों बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है, और जिस तरीके से उसने धीमी शुरुआत के बाद कमाई की है, उसने पूरे भारत के जो फिल्म के प्रेमी हैं उन सबको देखने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में रविंद्र जडेजा ने भी इस फिल्म को देखने के बाद खूब तारीफ की है।